नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल की नेवल नहर से, जहां पर आप देख सकते हैं सूरज नाम का एक शख्स बताया जा रहा है, सूरज नाम का एक शख्स जो कि नहर पर नहाने के लिए पहुंचता है और शायद उसका पाँव फिसल जाता है, जिसके कारण उसकी नहर में गिरने से मौत हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी पत्नी है जो रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। कौन है सूरज? घर वाला है। कहाँ का रहने वाले हैं? 3270 में रहते हैं। 10-12 साल क्या हुआ? कौन है सूरज? कैसे है यहाँ पर नहाने के लिए? क्या उम्र है सूरज की? कितना होगा? 15-20 होगा। 20 साल ऐसे मजदूरी करते हैं। नर्सी विलेज 3270 करना। यहाँ नहाने के लिए आए, छोटे छोटे बच्चे था, 4-5 आया। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ? हाँ जी, छोटे बच्चों के साथ आया। यानी कि हो सकता है कि कम उम्र में सूरज की शादी हो गई हो और दो छोटे आगे बच्चे भी बताए जा रहे हैं सूरज के। और क्या हुआ, क्या है? नहाने के लिए आया था वो, नहाने के लिए आया तो उसको कई आदमी ने मतलब रोका भी है। क्या नाम था? नाम का तो नहीं पता जी मेरे को, सूरज बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको 4-5 फेरी मतलब रोका उससे, पर वो नहीं मानना। नहाने कहाँ आए थे? पीछे पुल पे। पीछे पुल पे? हाँ जी, हाँ जी, नहाने के लिए आया अपना बस। फिर किसके साथ आए? बच्चे दो बच्चे थे जिक्र में उसके साथ में, और भी उम्र क्या थी सूरज की? उसकी ऐसी होगी 20-22 साल की होगी। 20-22 तो पत्नी भी है। हाँ जी, हाँ जी, दो बच्चे भी। हाँ जी, हाँ जी, बाकी कहाँ हैं बच्चे जिनके साथ आए? पीछे ही हैं जी, वो भी काफी पीछे हैं। हाँ जी, हाँ जी, पिछले वाले तो मुझे पुल पे नहीं जी, कुत्ता था जी ऊपर से झाल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कुर्जियाँ हैं जी झाल में, कुर्जियाँ हैं। हाँ, वो उसमें लग लुक की होगी वहीं उसमें। मेरा नाम रजिंदर है जी। क्या जानकारी आपने? देखा नहीं, लड़के आ रहे थे ना, फिर हम गए नहाने के लिए, तो वो नहीं मानना, तो उसने एक बार तो आ गया था, पर दोबारा फिर गया ना तो नहीं आया ऊपर वो। आपको कुछ जानकारी मालूम है? पीछे भी और लोग हैं यहाँ पर, आपने भी कुछ देखा है? नहीं जी, मैं तो इधर गया था 1 घंटा पहला, तो आदमी खड़े। क्या जानकारी मिली? ना, मेरे को ये नहीं पता। आपने खुद देखा है छलांग लगाते हुए? हाँ जी, वीडियो भी है मतलब उनकी। वीडियो भी है? हाँ जी, पीछे ही है बच्चों के पास में वीडियो। तो क्या वीडियो बनवा रहे थे छलांग? नहीं नहीं नहीं, जो उनसे बाहर थे। तो वो वीडियो क्यों बना रहे थे? उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों की है जी? तो वो नहीं मानना जी बिल्कुल भी। छलांग उनको तैरना वगैरह आता था? हाँ जी, तैरना आता था। हाँ, पक्की बात है? बिल्कुल जी। आपको क्या पता, आप कैसे जानते? मैं वहीं पे था जी उस टाइम। तीनों के तैरना आता था, जो तीनों लड़का था ना हमारा, तीनों के तैरना आता था। वो हमारा नाम है सनोज चौधरी। तो ये जानबूझ के जान दी गई है या फिर कोई हादसा? खाना खा के आया था जी, फिर अपने नहाने आए थे। स्पेशल हम लोग वहाँ 3270 रहते हैं, तो वहाँ से स्पेशल बच्चे के साथ नहाने के लिए आए थे। नर्सी विलेज? हाँ जी, नर्सी विलेज रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम भी वहीं रहते हैं। नहीं, वो बच्चे छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके साथ आए थे, तो उन लोगों के ने कसम दे दिया कि चलो कूदते हैं जी जाल में, गुर्जी हैं जाल में। ओ ठोकर ठोकर सी दी। पुलिस को जानकारी दी है भैया? हाँ जी, पुलिस आ रही है जी, मतलब उसी टाइम आ गई जी, पीछे आई हुई है। और जहाँ पर पुलिस आई हुई है, अब हम वहीं चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो पुल है जहाँ से उस व्यक्ति ने, जो सूरज नाम का शख्स है, और इस ये जो झाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस झाल में डाइव मारी, नीचे कूद मारी, छलांग मारी, जिसके बाद आप देख सकते हैं इस तरफ हालांकि कुछ लड़के खड़े हुए हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उनमें से कोई एक है या नहीं है। और वैसे वो लग रहा है कि देखने वाले ही हो सकते हैं, बाकी उस तरफ चलते हैं, क्योंकि डायल 112 की टीम भी आप देख सकते हैं मौके पर पहुँच चुकी है। डायल 112 की टीम है जो मौके पर पहुंची है, और आगे भी कुछ लोग यहां पर दिखाई दे रहे हो सकते हैं परिवार वाले लोग, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। कुछ महिलाएं भी हैं और वो लड़के भी यहीं पर हैं जो सूरज के साथ मौजूद थे, जो सूरज के साथ मौजूद थे। सकते हैं, साथ में नहाने वाले उसके साथ जी, हम सब। क्या नाम है आपका? जी कृष्णा कुमार। कहाँ से, कैसे आए थे आप, किस समय आए थे? 3 बजे। 3 बजे करने के आए थे यहाँ? घूमने के लिए। नहाने भी आए थे? हाँ, ऐसी उसका मूड था, नहाएंगे। किसका मूड था? जो बंदा डूब गया। खुदा कहाँ था वो?
वहाँ पे से इधर के आपने देखा था कूदते हुए? हाँ देखा था, ऊपर में ही उन्होंने कसम दिया था ना कपड़ा खोल। आपको घसीटे कैसे आई हैं? बचाने के चक्कर में। बचाने में आई है? आपने बचाने की कोशिश की? कहाँ तक आपने बचाने की कोशिश की? यहाँ तक से। आपको तैरना आता है? जी आता है। कोई वीडियो भी बना रहा था कूदने की? जी एक बच्चा था ना वो। क्यों बना रहे थे वो? क्या पता, मैं तो इधर था मोबाइल कपड़ा। कहा था कि मेरी वीडियो बनाना, या वो अपनी मर्जी से बना रहा था बच्चा? नहीं वो अपनी मर्जी से। बच्चा अपने बच्चा कहाँ है वो वीडियो बनाने वाला? जी वो चला गया दुगी। वो चला गया है, वो चला गया है, लेकिन वीडियो भी बनाई जा रही थी। डायलेक्ट 112 की टीम भी आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हैं और उनसे भी पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? पता लगे जी 32 सेक्टर से 3-4 लड़के मेन मती गाँव नहाने आए थे जी, और जो मान ली नारियल निकल गया जी, एक नारियल बाहर निकाल दिया, दूसरा नारियल लेने के लिए आया था तो उसमें डूब गया जी बच्चा। ये 22-23 साल का लड़का जी है, शादीशुदा जी है। मौके पर ऐसा ही राजेंद्र आज ही राजी नारियल निकालने आया था जी, नारियल निकालने आया था जी। साथी भी थे कुछ? 3-4 लड़के साथी थे जी, वो बाहर सुरक्षित है जी। क्या नाम है सर उस शख्स का जो डूब चुका है? बिहार से है जी, 32 सेक्टर से है जी। नाम क्या है? नाम तो रजिस्टर में लिखा है, पता नहीं। सूरज बता रहे हैं, सूरज चौधरी। सूरज दो शादीशुदा जी है, दो बच्ची है इसमें जी। दो बच्चे बता रहे हैं और बाकी शादीशुदा है। एक बार ये नारियल वाली बात भी जरा पूछ लेते हैं कि नारियल निकाला जा रहा था या क्या किया जा रहा था? पुलिस तो कह रही है कि नारियल वगैरह निकाल रहे थे। बच्चा तो था वो निकाल रहा था, बच्चा निकाल के उधर उधर फाड़ रहा था। वो कह रहे हैं कि एक बार नारियल निकाला गया फिर दोबारा डाइम मारी ताकि नारियल निकाले? ना ऐसे बात नहीं है, एक बार बच्चा इधर से पकड़ के ले गया था। तो डूब कैसे गए वो? तैरना आता था सूरज को? आता था थोड़ा बहुत, एक बार निकल गया, दूसरे बार फना ना नीचे कुछ पत्थर। दो बार यानी कि नीचे उन्होंने छलांग लगाई, पहले एक बार लगाई फिर बाहर आ गए? हाँ फिर दोबारा लगाई, नीचे पत्थर उत्थर चोट चाट ऐसे लग गया होगा यार, कुछ होगा। हो सकता है लगी हो, ये तो हम नहीं बता सकते ना। हो सकता है लगी हो सर में चोट वगैरह। क्या नाम है आपका? बलवीर। आपने भी देखा? हाँ आप भी आए थे साथ में? आप लोग भी नहा रहे थे? खाली सूरज ला रहा तो ये नहाना तो नहीं हुआ, ये तो छलांग लगाना ही हुआ बस। वैसे ऊपर से ऊपर से कूद रहा था, ये झाल है और झाल का पानी आप समझिए कि अगर झाल में कोई शव भी फंसा हो तो गोताखोरों को झाल से उस शव को निकालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत बार दिखाया है। लेकिन अब जो जानकारी है कि सूरज है पहले एक बार डाइव मारता है और उसके बाद ऊपर आ जाता है और फिर जब दोबारा मारता है उसके बाद वो ऊपर नहीं आ पाता। हालांकि सूरज के बारे में जानकारी ये भी है कि उसे तैरना आता था लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।